नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसपुआ, तो आइए देख लेते हैं। मैदा ले लिए हैं, आटा ले लिए हैं, दूध है, इलायची पाउडर है, थोड़ा सा चीनी है। ये दूध को 1 केजी दूध को गाढ़ा करके 1/2 केजी बना लिए हैं, और ये चीनी है चाशनी के लिए। सबसे पहले हम चीनी को पानी डाल के गैस पर रख के 2 तार की चाशनी बनाएंगे। तब तक उधर चाशनी बन रहा है, ये जो दूध गाढ़ा करके रखे हैं इसमें थोड़ा सा मैदा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको घोल बनाते हैं। मैदा 1/2 मिक्स कर दिए, 1/2 इसमें आटा मिक्स कर देते हैं। 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम मैदा, आप जितना रबड़ी लीजिएगा उतना मिक्स कीजिएगा। अगर ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें दूध रखे हैं, दूध थोड़ा थोड़ा करके मिला देंगे। चीनी रखे हैं, इसको भी डाल देते हैं। इलायची पाउडर है, इसको भी डाल देते हैं। कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं पड़ना है। सबको हम मिक्स कर देते हैं। 2 तार की चाशनी बनके तैयार हो गया है। इधर डो भी बन गया है, डो भी बन के तैयार है। ना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ना ज़्यादा पतला रहेगा। हम चाशनी उतार लेते हैं, गैस पर फ्राइंग पैन रख। अब इसमें तेल डाल देते हैं। इसमें हम डो में 1 चम्मच शुद्ध घी डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आंच कम करके डो डालते हैं। थोड़ा देर कम रहने देते हैं, उसके बाद तेज करेंगे। इसको हम देख लेते हैं, एक तरफ हो गया है। इसको धीरे धीरे पलट देते हैं। देखिए एक तरफ ब्राउन हो गया, दोनों साइड ब्राउन सेक लेंगे, इस साइड भी पलट देते हैं। सबको निकाल लेते हैं, दोनों साइड ब्राउन हो गए। सबको रस में डाल देते हैं। जब भी पुआ बनाइए 2-4 घंटा पहले ही उसका डो बना के रख दीजिए, तभी पुआ खास्ता बनेगा। 5 मिनट इसको इसी में चाशनी में रहने देते हैं। रसपुआ बन के तैयार हो गया है। पुआ जब भी प्लेट में डालिए उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म करके रस भी डाल दीजिए,
तभी खाने में स्वादिष्ट लगेगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप भी अपने घर में बनाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट भी दें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। थैंक्स।